अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की दूसरी जमात सबक 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कहानी है जिसका उन्वान है बंदर और लकड़ीहारा। एक लकड़ीहारा जंगल में लकड़ी काटने जाता है। वो वहाँ एक पेड़ पे बैठा बंदर को देखता है, जो बहुत ही परेशान है, उसे तकलीफ़ है, वो दर्द से रो रहा है, कर्रा रहा है। तो लकड़ीहारे को उस पर रहम आ जाता है और वो उसे अपने साथ लाया हुआ रोटी खाने को देता है, पानी पीने को देता है और उसे फिर वापस में अपने घर लाकर उसे दवा देकर उसकी खूब खातिरदारी करके उसे ठीक कर देता है। और जब वो ठीक हो जाता है तो जंगल की तरफ फिर चला जाता है। इस कहानी को हम देखेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ अल्फाज के माना पढ़ लेंगे, जिसे हमें कहानी समझने में आसानी होगी। बंदर और लकड़ीहारा। अल्फाज माना: जंगल चराहगा, कंधा साना कांधा, रहम मेहरबानी, दवा दवाई, आराम चैन, फिजा सांस सांस। सबको अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट कर लेना और याद कर लेना। एक लकड़ीहारा किसी जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी नज़र एक बंदर पर पड़ी, जो पेड़ की डाल पर बैठा दर्द से कर्रा रहा था। लकड़ीहारे को बंदर पे रहम आ गया। वह अपने साथ कुछ रोटियां लाया था। उसने उनमें से 2 रोटियां बंदर को खिला दिए और पानी भी पिलाया। वापसी में लकड़ीहारा बंदर को अपने साथ घर ले आ गया। घर आकर उसने बंदर को दवा दी और उसकी खूब खातिर की। जब बंदर ठीक हो गया तो जंगल की तरफ जानिब चला गया। जानिब उसका माना जंगल हो, तरफ जानिब के माना तरफ, जंगल की तरफ चला गया। बहुत दिनों के बाद लकड़ीहारा फिर उसी जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। बहुत दिन बीत गए, फिर लकड़ीहारा उसी जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। लकड़ियाँ काटते काटते जब वह थक गया तो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। लकड़ियाँ काटते काटते वो एकदम थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। गर्मियों के दिन थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गर्मी के दिन थे, वो थक गया था और जंगल में तो बहुत सारा पेड़ होते हैं और जिससे ठंडी ठंडी हवा निकलती जाती है, हवा चलती जाती है, तो उसे वहाँ नींद आने लगी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए गया, उसे नींद आने लगी। उसी पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ के ऊपर वही बंदर बैठा था जिसकी लकड़ीहारे ने खिदमत की थी। जिस पेड़ के नीचे लकड़ीहारा सो गया, उसी पेड़ के ऊपर वही बंदर बैठा था जो बहुत दिन पहले लकड़ीहारा जंगल में लकड़ी काटने आया था। तो एक बंदर दर्द से कर्राहता हुआ उसे मिला था, जिसने उसकी खूब खिदमत भी की थी और दवा भी देकर उसे ठीक किया था। वही बंदर उसी पेड़ के ऊपर बैठा था। बंदर उसे पहचान लिया और पेड़ से असरफियों से भरी एक थैली नीचे गिरा दी और पेड़ के ऊपर से असरफियों से भरी, असरफी पैसा सिक्का होता है, वो थैली भरी पेड़ के नीचे गिरा दी। थैली गिरने से लकड़ीहारा जाग गया। जैसे ही थैली नीचे गिरी, वो आवाज़ हुआ तो जब लकड़ीहारा की नींद खुल गई, वो जाग गया। उसने थैली उठाकर बंदर की जानिब देखा। उसने थैली उठाया और बंदर की तरफ देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसे ख्याल आया कि ये वही बंदर है जिसकी जिम्मेदारी उसने की थी। जिसे उसने अपने साथ अपने घर ले गया था, उसको दवा देकर उसे ठीक किया, उसे रोटी खिलाया।
तो ये उसे याद आया कि ये तो वही बंदर है जिसे उसने उसकी मदद की थी। इस तरह बंदर ने लकड़ीहारे के एहसान का बदला चुका दिया। इस तरह बंदर ने लकड़ीहारे के एहसान का बदला उसे चुका दिया वो असरफी देकर। इस कहानी से हमें यही तालीम मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब कोई अगर हमें हमारी मदद करता है तो उसका एहसान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, उसका एहसान हमें रखना चाहिए। और वक्त आने पे अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। सबको अच्छे से पढ़ लेना, इसके अल्फाज और माना को याद कर लेना। ये अल्फाज और माना है जो मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। सबक शुरू करने से पहले ही, कहानी पढ़ने से पहले मैं आप लोग को पढ़ा बता चुकी हूँ ये सबक अल्फाज और माना। सबको अच्छे से अपने नोट पे नोटबुक पे नोट कर लेना, अच्छे से अल्फाज और माना को याद कर लेना, इस कहानी को अच्छे से पढ़ लेना। खुदा हाफिज़।